हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कान्हा जी को ले लिया, ऐसे हमें चोली पहनानी है, फिर आगे से हम नेपी लेकर जाएंगे और चोली के ऊपर से सेट करते हुए फिर हमें इसको बांध लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप ही आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राधा माधव कलेक्शन 555। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे कॉटन के फैब्रिक में से दो पीस कट कर लिया है। मैंने कॉटन का कपड़ा यूज किया क्योंकि हम कान्हा जी की समर स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कपड़े का आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 3 इंच यानी 3 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। हमें चौकोर पीस कट करना है, हर तरफ से इसका मेजरमेंट एकदम बराबर होना चाहिए। मैंने दो पीस कट किया है, दोनों का मेजरमेंट बराबर है। अब एक पीस हम सीधा रखेंगे और जो दूसरा पीस है इसकी सीधी वाली साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। ऐसे बराबर करके हमें रखना है, फिर एक बार देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो टोटल 2 बार मैंने फोल्ड किया है। और अब हमें नेक की कटिंग करनी है, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। बहुत बड़ा नेक हम नहीं कट करेंगे क्योंकि अभी हमें इसके चारों तरफ से सिलाई भी लगानी है, तो ये अपने आप थोड़ा बड़ा होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे कटिंग कर ली और कट करने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। अब हमें इसके चारों तरफ से डबल सिलाई लगा लेनी है। मैंने डबल सिलाई लगा लिया है और अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे, जिससे कि इसको पलटने में आसानी होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो आप भी कट लगाना स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और ड्रेस का लुक भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सभी तरफ से देखिए सर्कल में कट लगा लिया है। ध्यान रखना हमें सिलाई ना कटे। और अब ऊपर वाला पीस हम लेंगे, इसको नेक के अंदर डालेंगे और पीछे की तरफ से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये ईजिली सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं नेक में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और इसको पलटने में कोई दिक्कत भी नहीं आई है। अब हमें चारों तरफ से भी सिलाई लगानी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पीस है पहले एक बार पतला सा इसको फोल्ड करेंगे, फिर जो ऊपर वाला पीस है इसको भी पतला सा फोल्ड करेंगे। अब इन दोनों ही पीसेस को एक के ऊपर एक करके रखेंगे और सिलाई लगाकर चारों तरफ से जॉइंट करेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने ये व्हाइट कलर की थ्रेड लेस ले ली है, इसको हमें चारों तरफ से लगा लेना है, जिससे कि सिलाई भी ढक जाएगी और ड्रेस का लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ से मैंने देखिए लेस लगा लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे नेपी। तो नेपी बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट किया है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.25 इंच यानी कि 2.25 इंच रखी है। अब हमें इसको पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और इन दोनों तरफ से हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से रखना है नेपी को और चोली हम इसके ऊपर यहाँ से रखेंगे, फिर सिलाई लगाकर इसको जॉइंट करेंगे। सिलाई लगाकर जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और मैंने गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। पहले हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हमें डोरी रखनी है और एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगाकर इसको यहीं पर जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगाकर मैंने देखिए डोरी भी ज्वाइंट कर ली है और अब हमारी कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, राधे राधे।